कर्नाटक हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर को एक याचिका खारिज की। याचिका में क्या था, मांग की गई थी कि कमिश्नर ऑफिस में किसी भी गैर हिंदू को काम करने की इजाजत ना दी जाए। इसे खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिका पर सुनवाई करना भी देश को 100 साल पीछे धकेलना होगा। चीफ जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस विश्वजीत शेट्टी के बेंच के सामने जब ये याचिका आई तो चीफ जस्टिस ने कहा, हिंदू धर्म कभी भी इतना संकीर्ण नहीं था, हिंदू धर्म में ऐसे लोग कभी नहीं थे जो इतने संकीर्ण सोच के हों। याचिका में कर्नाटक हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट के सेक्शन 7 का हवाला दिया गया था। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि सिर्फ हिंदू धर्म का पालन करने वाले ही कमिश्नर ऑफिस में नौकरी पर रखे जा सकते हैं। इसके अलावा 2 और याचिकाएं लगाई गई थी। एक में महालिंगेश्वर मंदिर के सालाना जलसे के निमंत्रण पत्र में डिप्यूटी कमिश्नर एबी अब्राहम का नाम लिखवाने पर आपत्ति जताई गई थी। वहीं साथ ही उनके मंदिर में प्रवेश पर रोक की मांग भी की गई थी। वहीं दूसरी याचिका में भारत पुनरुत्थान ट्रस्ट ने मोहम्मद देशद अली खान के कमिश्नर ऑफिस में सुपरिटेंडेंट नियुक्त किए जाने पर आपत्ति जताई थी। इन्हें कानून के खिलाफ बताया था। चीफ जस्टिस ने कहा, कौन सा आसमान गिर जाएगा अगर डिप्यूटी कमिश्नर हिंदू मंदिर में व्यवस्थाओं की देखरेख के लिए अंदर चला जाएगा, हिंदू धर्म तो कभी इतना संकीर्ण नहीं था। कर्नाटक हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट की धारा 7 के अनुसार कमिश्नर, डिप्यूटी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर और वहां काम करने वाला हर व्यक्ति अपनी कार्य क्षमता के आधार पर नियुक्ति किया जा सकता है। उस शख्स को हिंदू धर्म को मानने वाला होना चाहिए। वे तब तक ही पद पर रह सकता है जब तक हिंदू धर्म माने। अगर आप सतही तौर पर सेक्शन 7 को पढ़ें तो कहीं भी ये नहीं लगता कि किसी को भी इस कमिश्नर ऑफिस में काम करने से रोका जा सकता है। पात्रता इस सब पर निर्भर करती है कि उसे किस काम के लिए नियुक्त किया गया है। बेंच ने अपने फैसले के आखिर में कहा, न्यायिक मूल्यांकन में एक बात का ध्यान रखना होगा कि सरकारी अधिकारी, पुलिस अधिकारी, चाहे उनकी धार्मिक आस्था और विश्वास कुछ भी हो, इसके बावजूद सभी धर्मों को उनके संबंधित धार्मिक त्योहारों को मनाने में सहायता करें। वास्तव में यही संवैधानिक दर्शन और धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का हिस्सा है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अमित ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किस्से, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।